नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। व्हाइट जर्सी में है हिंद क्लब और ब्लैक जर्सी में है एयरफोर्स आगरा। ये बहुत अच्छी बास्केट हुई है हिंद क्लब की तरफ से और ये बॉल चलाते हुए एयरफोर्स। और ये 5 नंबर हिंद क्लब की तरफ से बॉल चलाते हुए और आज देवन का ये पहला मैच, देखते हैं पहले मैच में कौन विन करता है। एयरफोर्स क्लब की तरफ से 7 नंबर की जर्सी बॉल चलाते हुए, 7 नंबर जर्सी ने पास दिया 5 नंबर को, 5 नंबर से अगेन 7 नंबर, देन ये 3-pointer शूट उठाने की कोशिश लेकिन ये मिस, ये अगेन बोर्ड शॉट लेने की कोशिश और ये हिंद क्लब की 40 नंबर जर्सी ने स्टील कर लिया बॉल और स्टील करते हुए 40 नंबर ने 5 को पास दिया, देन 5 ने मिस कर दिया। बहुत अच्छा पास चलाते हुए एयरफोर्स क्लब की तरफ से और ये रिबाउंड अटेंड करते हुए हिंद क्लब ने रिबाउंड अटेंड किया, 5 नंबर को पास किया, 5 नंबर की तरफ से ये 8 नंबर जर्सी बहुत अच्छा पोस्ट खेलते हुए ये बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 7 नंबर जर्सी और ये बोर्ड शॉट कन्वर्ट करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाई। और ये बहुत अच्छी बास्केट, 2 ऑल स्कोर हो चुका है हिंद क्लब और एयरफोर्स आगरा का। और ये हिंद क्लब की तरफ से फाउल टी शर्ट होल्ड करने पर ये अनस्पोर्ट्समैनलाइक का फाउल दिया गया है और ये 5 नंबर जर्सी को फ्री थ्रो मिला है और ये पहला फ्री थ्रो मिस। देखते हैं सेकंड फ्री थ्रो ये मिस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बास्केट, पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट करते हुए और ये 3-pointer शॉट उठाने की कोशिश लेकिन नहीं हो पाई और ये पास, देन अंडर आर्म शॉट, बहुत अच्छा शॉट 7 नंबर जर्सी एयरफोर्स क्लब की तरफ से। बहुत अच्छा खेल रहे हैं 7 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और ये बहुत अच्छा रोटेशन करते हुए लेकिन ये रनिंग का फाउल हिंद क्लब की तरफ से। इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं मिस्टर कुलदीप सिंह BFI रेफरी एंड लाइन मैन है मिस्टर हैप्पी शर्मा जो कि BFI के एक बहुत अच्छे रेफरी हैं। ये पासिंग चलते हुए और ये बहुत अच्छी पासिंग, 3-pointer मिस हो रहे हैं एक हद तक। ये बहुत अच्छा 5 नंबर की जर्सी बहुत ही फुर्तीले खेल रहे हैं हिंद क्लब की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, ये अगेन स्टील कर लिया ये 8 नंबर की जर्सी बॉल चलाते हुए और 8 नंबर जर्सी ने 5 नंबर को दिया, 5 नंबर ने अगेन 8 नंबर को दिया और ये बहुत ही अच्छा रिंग के नीचे से शॉट बनाते हुए। और स्कोर है 6-5, लीड है हिंद क्लब। बहुत ही अच्छा रिबाउंड लेते हुए 8 नंबर की जर्सी बॉल चला रहे हैं और ये 8 नंबर जर्सी ने पास दिया 14 नंबर को, 14 नंबर अगेन अंडर पास कर रहे थे लेकिन वो मिस इंटरप्ट हो चुका है
अब बॉल है आगरा फोर्स क्लब की तरफ और ये बहुत ही अच्छा पास, लेकिन ये एयर फोर्स क्लब के खिलाड़ी चार नंबर नहीं पकड़ पाए बॉल को। और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट खेलते हुए एट नंबर जर्सी के खिलाड़ी, दोनों ही टीम एक अच्छा मुकाबला खेल रही हैं, लेकिन देखते हैं डे वन का पहला मैच कौन जीतता है। सेवन नंबर ने पास किया आगे इन सेवन नंबर जर्सी को, इस नंबर जर्सी ने पास किया नंबर जर्सी टू को, लेकिन उनके हाथों से बॉल बाहर चली गई। हिंद क्लब से की तरफ से फाइव नंबर जर्सी बॉल चलाते हुए, ये बहुत ही अच्छी बॉल चला रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा पास देने की कोशिश, लेकिन ये बोर्ड पे टकरा गया। अरे पास किया एयरफोर्स क्लब की तरफ से, लेकिन ये बोर्ड शॉट इनका हर बार मिस हो रहा है, फिर भी कोई नहीं, कोशिश करते रहिए, एक अच्छा शॉट पड़ ही जाएगा आपका। सेवन नंबर जर्सी ने थ्री पॉइंटर कन्वर्ट करने की कोशिश करी लेकिन मिस, और ये बहुत ही अच्छा टू पॉइंटर शॉट कन्वर्ट हुआ एक अच्छी मेहनत के साथ। ये एट जर्सी नंबर एट की तरफ से थ्री पॉइंटर शूटिंग, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन उस बॉल का रिवॉर्ड जर्सी नंबर फाइव को मिला। और ये जर्सी नंबर थ्री ने बहुत ही अच्छा पास दिया जर्सी नंबर फाइव को, लेकिन वो मिस हो गया शॉट। बहुत ही अच्छा फास्ट ब्रेक खिलाया जर्सी नंबर सेवन ने, लेकिन वो मिस हो गया। ये बहुत ही अच्छा बॉल खेला जर्सी नंबर 14 ने जर्सी नंबर 8 को, दोनों ही टीम बहुत अच्छा डिफेंस कर रही हैं और ये जर्सी नंबर 7 को फाउल मिला। हिंद क्लब के खिलाड़ियों ने ब्लॉक करने की कोशिश करी लेकिन ब्लॉक नहीं हो पाए जर्सी नंबर 7। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जर्सी नंबर 7 एयरफोर्स क्लब की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा पास, शॉट कन्वर्ट ना होने की वजह से फाउल मिला है। और ये फ्री थ्रो मिला है जर्सी नंबर 5 को। और ये बहुत ही अच्छी बास्केट फ्री थ्रो जर्सी नंबर 5 ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया, और देखते हैं ये सेकंड फ्री थ्रो कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। और ये बहुत ही अच्छा कन्वर्जन, दोनों ही फ्री थ्रो लगातार उन्होंने कन्वर्ट किया। और हिंद क्लब की तरफ से लिया गया टाइम आउट। और ये टाइम आउट कंप्लीट हो चुका है और हिंद क्लब बॉल चलाते हुए, और ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है और ये इस मैच का पहला क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है एंड देन सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है। एंड सेकंड क्वार्टर के मैच स्टार्टिंग कर रहे हैं एयरफोर्स क्लब, और एयरफोर्स क्लब्स की तरफ से जर्सी नंबर 7 बॉल चलाते हुए, बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग कर रहे हैं और ये
आउट ऑफ पास हो गया। बहुत ही अच्छा जर्सी नंबर 5 बॉल चलाते हुए, लेकिन ये फाउल हो गया उनका। मिलेगा एडवांटेज, मिलेगा। जर्सी नंबर 7 ने पास किया टीममेट को और ये बहुत ही अच्छा स्टील करते हुए। जर्सी नंबर 11 ने शॉट नोट करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। अरे अगेन स्टील जर्सी नंबर 14 ने, अरे बहुत ही अच्छा पोस्ट खेलते हुए जर्सी नंबर 8 ने शॉट नहीं हो पाया। और ये बॉल रिबाउंड कलेक्ट करने के बाद जर्सी नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा ड्राइविंग बनाया उन्होंने, लेकिन बोर्ड से आउट ऑफ बोर्ड हो गया वो, बोर्ड से टकरा कर बॉल वापस आ गई। और ये बॉल है अब हिंद क्लब के पास। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छे जोश के साथ खेल रही है और जर्सी नंबर 14 ने बहुत अच्छा बॉल पास किया जर्सी नंबर 8 को, जर्सी नंबर 8 ने कर दी रनिंग। ये बहुत ही अच्छा क्रॉस ओवर दिया उन्होंने, क्रॉस ओवर फेक देने के बाद ही प्लेयर हिल सा गया था। हमारे दर्शक एक बार फिर से देखना चाहते हैं जर्सी नंबर 7 के फेक को, देखते हैं जर्सी नंबर 7 फिर से ये कर पाते हैं कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी पासिंग करते हुए जर्सी नंबर 8 बहुत ही जोशीले फुर्तीले हैं, अपनी हाइट का पूरा पूरा एडवांटेज लेते हुए। बास्केट काउंट हुआ और 1 फ्री थ्रो इसी के साथ। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और जर्सी नंबर 8 बहुत ही अच्छा एडवांटेज लेते हुए अपनी हाइट के साथ, और देखते हैं उनको एक 1 फ्री थ्रो मिला है, वो कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। और ये रिंग से बाहर आ गई, लेकिन कुछ भी कहो जर्सी नंबर 7 बहुत ही अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं। हिंद क्लब की तरफ से जर्सी नंबर 14 ने ब्लॉक कर दिया जर्सी नंबर 7 को। अरे ये ड्राइविंग करने की कोशिश करी लेकिन ड्राइविंग नहीं हो पाई। और ये 8-9 का स्कोर है, एयरफोर्स एक बास्केट से लीड पर है। अरे बहुत ही अच्छा डिफेंस करते हुए जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 3 बॉल चलाते हुए बहुत ही अच्छा पास दिया लेकिन पास इंटरप्ट हो गया, जर्सी नंबर 7 ने इंटरप्ट कर लिया। अगेन शॉट, ये बहुत ही अच्छी बास्केट, जर्सी नंबर 4 ने बहुत ही अच्छी 2-pointer शॉट कन्वर्ट किया। हिंद क्लब की तरफ से जर्सी नंबर 11 बॉल चलाते हुए और ये आउट ऑफ बाउंड होते हुए बॉल बचा लिया उन्होंने। जर्सी नंबर 4 अगेन पास 7 को, 7 ने 3 कन्वर्ट करने की कोशिश करी लेकिन बॉल बाहर आ गई। जर्सी नंबर 14 ने बॉल तो बहुत अच्छी चलानी चाहिए लेकिन उनसे रनिंग हो गई। जर्सी नंबर 7 ने 3 कन्वर्ट किया लेकिन वो रिंग से बाहर। बॉल है हिंद क्लब के पास। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छा डिफेंस कर रही हैं, शॉट कन्वर्ट कर रही हैं दोनों टीमें, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा पास जर्सी नंबर 7 को,
जर्सी नंबर 7 ने एक बहुत ही अच्छा शॉट बनाया, बहुत ही अच्छा रोल लेकर एयरफोर्स क्लब की तरफ से एक जर्सी नंबर 7 बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये बहुत ही अच्छा एंड ड्राइव जर्सी नंबर 11 का, और ये बॉल स्टील कर लिया जर्सी नंबर 3 ने, और ये जर्सी नंबर 3 ने पास किया जर्सी नंबर 8 को, और 8 चला रहे हैं 14 इन ड्राइव, और ये पुशिंग का फाउल। हिंद क्लब से चेंज हो रहे हैं जर्सी नंबर 12, और सब्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं जर्सी नंबर 3। अब देखते हैं जर्सी नंबर 12 कैसा खेलते हैं। कई हद तक दोनों की टीमें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है। जर्सी नंबर 8 ने अपने हाइट का एडवांटेज लिया, लेकिन उनके को कंपीट करने वाले भी एक हाइटेड खिलाड़ी हैं एयरफोर्स क्लब के पास। जर्सी नंबर 5 एक बहुत अच्छी हाइट है एयरफोर्स पे, और ये बहुत ही अच्छा फ्री थ्रो मारा जर्सी नंबर 4 ने। और स्कोर हो चुका है 15-8 फेवर ऑफ एयरफोर्स क्लब। और जर्सी नंबर 12 ने आते ही आते एक बहुत ही अच्छा टू पॉइंटर शॉट कन्वर्ट किया। ये भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं, बहुत ही जोशीले हैं। जर्सी नंबर 7 बहुत ही अच्छी पास करते हुए, और जर्सी नंबर 11 ने फाउल कर दिया। जर्सी नंबर 5 की हाइट बहुत ही अच्छी है जिसका एडवांटेज वो ले रहे हैं इस मैच में, और देखते हैं वो फ्री थ्रो कन्वर्ट करते हैं कि नहीं। और ये पहला फ्री थ्रो नॉट कन्वर्टेड। और ये दूसरा फ्री थ्रो जर्सी नंबर 5 को, ये बहुत ही अच्छी बास्केट फ्री थ्रो कन्वर्ट किया जर्सी नंबर 5 ने। ये बहुत ही अच्छा रोल एंड पास जर्सी नंबर 5 को, जर्सी नंबर 5 ने ये 3 पॉइंट कन्वर्ट किया। अब स्कोर हो चुका है 13-16 फेवर ऑफ एयरफोर्स क्लब। बहुत ही अच्छा क्रॉस ओवर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फाउल कर दिया। अपनी फुर्ती का बहुत ही अच्छा फायदा ले रहे हैं जर्सी नंबर 7। बहुत ही अच्छा ओवरहेड पास जर्सी नंबर 14 को, 14-8 को करनी चाहिए पास, लेकिन नहीं पाया। और ये बॉल स्टील करते हुए जर्सी नंबर 4 बॉल चला रहे हैं, और ये इन ड्राइव की कोशिश, लेकिन फाउल। हमारे दोनों ही रेफरी बहुत ही अच्छे कैचर हैं, जो किसी भी फाउल को देखते ही पकड़ लेते हैं। एयर बॉल शॉट बहुत अच्छा कोशिश था दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन ये बॉल अब है जर्सी नंबर 11 के पास। उन्होंने बहुत ही अच्छा पास देने की कोशिश, लेकिन नहीं दे पाए। और ये बहुत ही अच्छा पास दिया जर्सी नंबर 5 ने, जर्सी नंबर 5 ने दिया 2 को, और जर्सी नंबर 2 ने मिस कर दिया नीचे की शॉट। जर्सी नंबर 7 बॉल चलाते हुए, देखते हैं ये कैसे बनाते हैं शॉट। ये बहुत ही बेहतरीन पास, जर्सी नंबर 5 तो स्लिप ही से हो गए थे। जर्सी नंबर 5 ने 14 को दिया, 14 से स्टील किया जर्सी नंबर 4 ने, लेकिन अगेन जर्सी नंबर 14 ने बॉल पकड़ लिया। अब ये एयरफोर्स क्लब के पास बॉल है, और ये बहुत ही अच्छा पास जर्सी नंबर 4 ने बहुत ही अच्छा पास दिया जर्सी नंबर 7 को, बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया।
और ये सेकेंड क्वार्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और ये सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट हो गया थर्ड क्वार्टर की स्टार्टिंग के साथ। और बॉल है हिंद क्लब के पास जो कि वाइट जर्सी में है। ये देख ले कैसे बना है, झटके से बनवा देना। मेरे को सेट करवा देना। और जर्सी नंबर 5 बॉल चलाते हुए और ये रोटेशन करते हुए और ये 3 लेकिन शॉट कन्वर्ट नहीं हुआ। और ये बहुत ही अच्छा पास स्टील करने की कोशिश करी जर्सी नंबर 5 ने लेकिन स्टील नहीं कर पाए। और ये बहुत ही अच्छा शॉट नहीं हो पाया जर्सी नंबर 4 का। और जर्सी नंबर 14 बॉल चलाते हुए और ये बॉल उन्होंने जर्सी नंबर 8 को दिया और 8 ने बहुत ही अच्छा स्टेप निकाला लेकिन उनकी ये रनिंग बच गई। इस मैच के दोनों ही रेफरी बहुत ही अच्छा जजमेंट करते हुए जर्सी नंबर 7 ने पास किया जर्सी नंबर 5 को। जर्सी नंबर 5 ने जर्सी नंबर 2 को दिया और 2 ने बहुत ही अच्छा रोल शॉट मारने की कोशिश करी। हिंद क्लब की फीडिंग कर रहे हैं जर्सी नंबर 5 और ये हाइट ने जर्सी नंबर 3 ने बहुत ही अच्छा पास दिया जर्सी नंबर 12 को। 12 ने 3 को 3 ने शॉट मारने की कोशिश करी लेकिन शॉट नहीं पड़ पाया। और ये एयरफोर्स क्लब की तरफ से जर्सी नंबर 5 जो कि बहुत ही अच्छे हाइट है वो बॉल अंडर पास दिया। ये नए सब्स्टिट्यूशन है एयरफोर्स की तरफ से जर्सी नंबर 2 ने बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया। जर्सी नंबर 5 ने 14 से 8 और ये 8 के हाथों से बॉल छूट गया। और ये लंबी 3 कन्वर्ट करने की कोशिश लेकिन ये आउट ऑफ कोर्ट होगी बॉल। जर्सी नंबर 7 के पास बॉल, जर्सी नंबर 7 के पास किया 4 को, 4 से आगे जर्सी नंबर 5 को दी लेकिन उन्होंने कर दी रनिंग। और ये बॉल स्टील कर ली है फर्स्ट क्लब ने फिर से उन्होंने 3 जर्सी नंबर 3 ने जर्सी नंबर 3 ने पास दिया 12 को। ये जर्सी नंबर 5 ने बॉल आउट ऑफ बाउंड कर दी। और ये 3 पॉइंटर मारने की कोशिश लेकिन नहीं पड़ी। और ये बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट करने की कोशिश करी लेकिन वो बॉल बाहर आ गई। और ये बहुत ही अच्छा रोल के साथ जर्सी नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा रोल मारा लेकिन शॉट नहीं पड़ पाया। और ये जर्सी नंबर 14 ने पीछे से बॉल चलाते हुए जर्सी नंबर 14 को मिला है 2 फ्री थ्रो शॉट। जर्सी नंबर 14 ने पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट किया और अब पारी है उनके दूसरे फ्री थ्रो की। अरे दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट हो गया, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन था उनके फ्री थ्रो का। जर्सी नंबर 7 एयरफोर्स क्लब की तरफ से फीडिंग करते हुए और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं अपने एयरफोर्स क्लब की तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर जो कि हमने अभी कहा था कि हमें देखने को मिलेगा और उन्होंने करके दिखाया। ये जर्सी नंबर 11 के पास बॉल है, 14 के पास बॉल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उन्होंने पीछे से बॉल निकाला और उन्हें शॉट मारने की कोशिश करी लेकिन बॉल रिंग से ऊपर से बाहर आ गई। जर्सी नंबर 12 ने फाउल कर दिया पुशिंग का।
चेल्सी नंबर फोर ने 2.3 कोशिश मारने की कोशिश की, लेकिन और ये पास दिया चेल्सी नंबर फाइव को, लेकिन चेल्सी नंबर फाइव बॉल पकड़ नहीं पाए। और स्कोर चल रहा है 15-22 फेवर ऑफ एयरफोर्स क्लब। जैसे नंबर थ्री ने पास किया फोर को, फोर ने पास किया गेंद थ्री को, लेकिन थ्री कन्वर्ट नहीं कर पाए शॉट को। जैसे नंबर 12 बॉल चला रहे हैं क्लब की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा। जैसे नंबर थ्री एयरफोर्स क्लब की तरफ से इन्होंने कर दी ब्लॉकिंग। और ये थ्री पॉइंटर मारने की कोशिश करी लेकिन नहीं कन्वर्ट कर पाए। जैसे नंबर 12 ने फाउल कर दिया रिबाउंडर का, जैसे नंबर 7 बहुत अच्छी बॉल चला रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा पास दिया लेकिन समझ नहीं पाए जर्सी नंबर 4 इस बॉल को कि बॉल कहाँ आ रही है। जैसे नंबर 5 ने पास किया 4 को, ये 4 ने फ्री थ्रो मारा लेकिन रिंग से बाहर हो गई, और ये अगेन रोल लिया जर्सी नंबर 5 ने लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जर्सी नंबर 8 बॉल चला रहे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल लिया। जर्सी नंबर 8 अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छा शॉट मारने की कोशिश करी लेकिन वो रिंग टच होके वापस आ गई, और ये बहुत ही अच्छा पास किया जर्सी नंबर 4 ने 7 को, 7 ने रिंग के नीचे से ही बहुत ही अच्छा शॉट बनाया। ये बहुत ही अच्छा बैक स्टेप करते हुए, ये बहुत ही अच्छा हाइट का एडवांटेज लिया जर्सी नंबर 8 ने, और उनको मिला फाउल। फाउल के साथ मिले उन्हें फ्री थ्रो। जर्सी नंबर 3 ने किया था ये पुशिंग का फाउल। जर्सी नंबर 8 को 2 फ्री थ्रो मिला है, और उन्होंने पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट किया इसी के साथ। और ये दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट किया, एक बहुत अच्छे हाइट होने के साथ साथ उन्होंने अपने फ्री थ्रो का भी फायदा लिया और फ्री थ्रो उन्होंने कन्वर्ट किया। जैसे नंबर 7 ने पास किया जैसे नंबर 3 को, जैसे नंबर 3 से 5 को दिया लेकिन 5 ने कर दी रनिंग। हमारे BFI रेफरी मिस्टर हैप्पी शर्मा की आंखों से कोई नहीं बच सकता, और ये बहुत ही अच्छी ऑफिशिएटिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा पास दिया जैसे नंबर 5 को 3 को, लेकिन 3 ने कर दी डबल ड्रिबल। अब बॉल है एयरफोर्स क्लब के पास। अब तो ऐसा लग रहा है मैच हो गया है मैन टू मैन, और ये बहुत ही अच्छी ड्रिबल चलाते हैं नंबर 4। नंबर 4 ने पास दिया जैसे नंबर 7 को, ये 3 कन्वर्ट करने की कोशिश लेकिन मिस, और ये बहुत ही अच्छा शॉट जर्सी नंबर 5 की तरफ से। दोनों ही टीम के पास एक अच्छी हाइट, और दोनों ही अच्छी हाइट बहुत ही अच्छा अपना फायदा ले रही है। जैसे नंबर 5 ने पास किया जैसे नंबर 12 को, 12 ने 3 पॉइंट कोशिश की लेकिन, अरे जैसे नंबर 3 ने शॉट कन्वर्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्हें बॉल मिल गई एडवांटेज के साथ। और ये दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही अच्छी फाइट, बहुत ही कम देखने को मिलती है मैचों में ये फाइट, और ये फाइट बहुत ही दोनों ही हाइट के बीच हुई। और बॉल है हिंद क्लब के पास।
अभी भी स्कोर चल रहा है 26-17 और 26 है एयरफोर्स क्लब के। अभी भी कुछ भी हो सकता है इन मैच में, देखते हैं कौन जीतता है। और ये बहुत ही अच्छा ब्लाइंड पास देते हुए जर्सी नंबर 4 बॉल चलाते हुए, जर्सी नंबर 4 ने पास दिया जर्सी नंबर 3 को, 3 से हो गई आउट ऑफ बाउंड। बहुत ही फुर्ती में बॉल चलाते हुए जर्सी नंबर 12 और 12 की तरफ से एयरफोर्स क्लब ने ये बहुत ही अच्छा फास्ट ब्रेक लिया। फास्ट ब्रेक के साथ उन्होंने पास दिया जर्सी नंबर 7, 3-pointer कन्वर्ट करने की कोशिश, लेकिन रिंग टच से वापस हो गई। ये बहुत ही अच्छा रिबाउंड लिया जर्सी नंबर 12 ने और ये मैन वॉच करते हुए। और ये इसी के साथ थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हुआ और ये फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होने जा रहा है। थर्ड क्वार्टर हो चुका है कंप्लीट और बॉल पोजीशन है ब्लैक जर्सी, जो कि ब्लैक जर्सी में है एयरफोर्स क्लब। अरे बहुत ही अच्छा 7 ने पास दिया, 5 को 5 ने कन्वर्ट करने की कोशिश करी लैप लेते हुए, लेकिन वो लैप हो गया मिस। जर्सी नंबर 3 ने कर दी रनिंग। जर्सी नंबर 7 3 से नेगोशिएट करते हुए और देखते हैं दोनों की प्लानिंग में क्या डिफरेंस था और क्या अटेंशन लिया इन्होंने। बहुत ही अच्छा पास दिया लेकिन वो समझ नहीं पाया जर्सी नंबर 7। और ये बहुत ही अच्छा शॉट जर्सी नंबर 5 की तरफ से। जर्सी नंबर 5 एक नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा शॉर्ट हाइट है, लेकिन उन हाइट का उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ायदा लिया। जर्सी नंबर 7 ने 2-3 फेंक दिए, लेकिन वो फेंक उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम दिया और ये बॉल हो चुकी है अटक रिंग से। और ये जर्सी नंबर 8 अपने हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छा बॉल निकाला उन्होंने। बास्केटबॉल में एक हाइट का बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हाइट है तो आप बहुत ही अच्छा गेम खेल सकते हैं। उसके साथ एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक्स है। ये जर्सी नंबर 12 ने पास दिया जर्सी नंबर 8 को और ये फाइट के साथ बॉल कन्वर्ट हो चुकी शॉट में। बहुत ही अच्छा शॉट था जर्सी नंबर 8 और 3 के प्लानिंग में। ये बहुत ही अच्छा जर्सी नंबर 7 ने क्रॉस ओवर देने की कोशिश करी, लेकिन क्रॉस ओवर भी बहुत बेहतरीन था। अब तक इन्होंने 3 से ज़्यादा क्रॉस ओवर दे चुके हैं और तीनों ही बहुत ही सक्सेसफुल क्रॉस ओवर रहे थे। जर्सी नंबर 3 बॉल चलाते जर्सी नंबर 3 ने 5 को दिया और ये 5 ने बहुत ही अच्छा अंडर आर्म पास दिया और ये फाइट के हिसाब से बॉल हो चुकी आउट ऑफ बाउंड। बॉल है एयरफोर्स क्लब के पास जो कि ब्लैक जर्सी के साथ हैं। जर्सी नंबर 7 अपनी टीम को बॉल के खिला रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा जर्सी नंबर 2 को डिफीट किया। जर्सी नंबर 8 ने अपनी हाइट का पूरा पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ, जर्सी नंबर 8 एक बहुत ही अच्छी हाइट है हिंद क्लब के पास और उन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छा गेम खेला है। जर्सी नंबर 4 ने किया स्टील और उनको जर्सी नंबर 3 को पास। जर्सी नंबर 3 ने बहुत ही अच्छा लैप लेके शॉट को कन्वर्ट किया और स्कोर हो चुका है 21-28 फेवर ऑफ एयरफोर्स क्लब। बॉल बहुत ही हाइट हो चुकी थी। जर्सी नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया फास्ट बास्केट में, फास्ट ब्रेक में। दोनों ही टीम बहुत ही सोच समझ के खेल रही है अपनी रणनीति के साथ। और ये पासिंग फेक के साथ जर्सी नंबर 14 ने 5 को दिया, 5 ने 12 को और 12 ने बहुत ही एयर बॉल फेंकी। जर्सी नंबर 3 बॉल चला रहे हैं, इनकी ड्रिबलिंग से ऐसा लग रहा है ये लेफ्ट हैंडेड के बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे। जर्सी नंबर 4 ने अब तक बहुत ही अच्छे फ्री 2-pointer शॉट्स कन्वर्ट किए। अरे
और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा था जर्सी नंबर 4 ने, लेकिन वो बॉल हो चुकी बाहर। माफी चाहता हूँ मैं अपने ऑडियंस से, क्योंकि मैं कोर्ट के नियर बाय था और मैं बहुत ही क्लोजअप शॉट्स को नहीं दिखा पाया। और ये टाइम आउट लिया है जर्सी नंबर, टाइम आउट लिया है एयरफोर्स क्लब ने। टाइम आउट हो चुका कंप्लीट, जो कि टाइम आउट लिया था एयरफोर्स क्लब ने। और हिंद क्लब के पास पोजीशन है बॉल, और हिंद क्लब अब बॉल चलाएगी। इस क्वार्टर में 7 मिनट अभी भी बाकी हैं। ये बहुत ही अच्छा रोटेशन चल रहा है दोनों ही टीमों में। जर्सी नंबर 14 ने बहुत ही अच्छा रोटेशन करा और इसी के साथ जर्सी नंबर 12 ने बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया। बहुत ही अच्छा पास दिया जर्सी नंबर 7 ने 4 को, उन्होंने अंडर आर्म शॉट बहुत ही अच्छा मारना चाहा, लेकिन बॉल आ गई बाहर रिंग से। जर्सी नंबर 5 ने किया ब्लॉक। अरे बहुत ही अच्छा पास दिया जैसे नंबर 7 ने 4 को, लेकिन 4 ने चाहा कि मैं भी एक पास देकर शॉट कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। ये बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग चला रहे हैं जैसे नंबर 5 ने समझा अपने प्लेयर्स को और ये शॉट मारा। जैसे नंबर 8 को पास देना उनका बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जैसे नंबर 8 ने बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया। अब स्कोर हो चुका है 32-25, अभी भी 7 पॉइंट की लीड है हिंद क्लब के पास। जैसे नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा ओवरहेड पास दिया, लेकिन बॉल हो चुकी है बाहर। और ये बॉल चला रही है हिंद क्लब, और ये बहुत ही अच्छा ये इन ड्राइव बनाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट कन्वर्ट किया जैसे नंबर 11 ने। ये क्रॉस ओवर, बहुत ही अच्छा क्रॉस ओवर। जर्सी नंबर 7 एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं एयरफोर्स क्लब की तरफ से, इन्होंने कई बार क्रॉस ओवर दिया हिंद क्लब को और हर बार सक्सेसफुल रहे अपने क्रॉस ओवर में। बहुत ही अच्छी फाइट रही जर्सी नंबर 2 जो कि एयरफोर्स खिलाड़ी है। ये फेंक देते हुए और ये 15 की कॉलिंग। अरे पकड़ ले, चल मिल गए। और ये बॉल है हिंद क्लब के पास, और ये उन्होंने बहुत ही अच्छा फास्ट ब्रेक के लिए पास दिया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। अपनी है, अपनी है, अपनी है। और ये 3 सेकंड का कॉल किया मिस्टर हैप्पी शर्मा ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे BFI के रेफरी हैं। और ये टाइम आउट लिया है एयरफोर्स क्लब ने, एयरफोर्स क्लब ने लिया था टाइम आउट। ये टाइम आउट हो चुका है कंप्लीट, और हिंद क्लब के पास बॉल जो कि वाइट जर्सी में है। हिंद क्लब हर बार एक रन,
हर बार एक नई रणनीति के साथ वापस आती है और उनकी रणनीति बहुत ही अच्छी काम करती है। बहुत ही अच्छा शॉट किया जर्सी नंबर 11 है जो कि हिंद क्लब की तरफ से खेल रहे हैं और बास्केट कन्वर्ट के साथ उन्हें एक मिला है एडवांटेज, जो कि एडवांटेज में उनके पास एक फ्री थ्रो। और देखते हैं ये फ्री थ्रो, बहुत ही अच्छा फ्री थ्रो कन्वर्ट किया जर्सी नंबर 11 ने। और ये बहुत ही अच्छा बॉल चलाते हुए जर्सी नंबर 5 ने किया फाउल। जर्सी नंबर 7 के पास बॉल, जर्सी नंबर 7 ने पास दिया। 3 से 7 बहुत ही अच्छी बॉल चला रहे हैं और देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं पूरी टीम को कि उनकी टीम वहाँ पर। बहुत ही अच्छा पास दिया उन्होंने जर्सी नंबर 5 को, लेकिन शॉट नहीं हो पाया। जर्सी नंबर 12 बॉल चलाते हुए हिंद क्लब की तरफ से और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा उन्होंने, बहुत ही अच्छा शॉट। जर्सी नंबर 5 ने कर दिया रनिंग। ये दोनों ही, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने फेंक दिया जर्सी नंबर 5 ने और ये शॉट कन्वर्ट करने की कोशिश जर्सी नंबर 11 की तरफ से, लेकिन अब बॉल है जर्सी नंबर 8 के पास और ये जर्सी नंबर 8 ने कर दिया कैरी का फाउल। जर्सी नंबर 3 ने बहुत ही अच्छी 3 करा। और ये इधर से जर्सी नंबर 5 ने 3 उठाया लेकिन शॉट नहीं हो पाया। जर्सी नंबर 11 ने रिबाउंड कनेक्ट किया और ये जर्सी नंबर 8 ने बहुत ही अच्छा 3-point शॉट कन्वर्ट किया। जर्सी नंबर 5 ने कर दिया ब्लॉक। 30 सेकंड। जर्सी नंबर फाउल की हो चुके हैं 3 फाउल और इसी के साथ टीम फाउल हो चुके हैं 3। जर्सी नंबर 7 ने एक बहुत ही अच्छा 3 कन्वर्ट किया। दोनों ही टीम एक बहुत ही अच्छे 3 के साथ गेम खेल रही है, दोनों ही टीम हर बार एक एक 3 ले रही है और ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज हाइट का, लेकिन उन्होंने शॉट कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जर्सी नंबर 12 ने किया फाउल और इस क्वार्टर में बचे हैं 7 सेकेंड्स और बॉल पोजीशन है एयरफोर्स क्लब के पास। बॉल चलाते हुए जर्सी नंबर 7 डबल मैन चेक और इसी के साथ स्कोर है हमारा 38-35। इसी के साथ मैच जीत लिया है हिंद क्लब ने, माफ़ी चाहता हूँ एयरफोर्स क्लब ने। बहुत ही अच्छा गेम खेला दोनों ही टीमों ने और दोनों ही टीमों का स्कोर रहा है हमारा 35-38। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मैच खेला एयरफोर्स क्लब की तरफ से। जर्सी नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा गेम खेला और हिंद क्लब की तरफ से जर्सी नंबर 8 ने बहुत ही अच्छा गेम खेला। मिलते हैं डे 1st के 2nd मैच की तरफ।